वेलकम ते सत श्रीकाल तुहानू सारा नू जी साडे अनकैडमी इमीग्रेशन दे यूट्यूब चैनल उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ सी एस सी सी का। मई 2022 इनटेक नू लैके स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे ने जिन्हां दे रिजल्ट हले पेंडिंग पे ने, कद तक रिजल्ट आउणगे। दिन बहुत थोड़े रह गए ने हुण और बहुत स्टूडेंट्स नू चिंता पई हुई है क्योंकि जिन्हां दे रिजल्ट नहीं आए कि वो इस सिचुएशन च हुण सोच रहे ने कि वो डैफर करन अगे जां की ऑप्शन हैगी उहनां दे कोल। नाल दी नाल आप इत्थे गल करांगे ऑनलाइन क्लासेस नू लैके भी। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे ने कि लगाउणियां चाहीदियां ने या नहीं लगाउणियां चाहीदियां, और टाइमलाइन इस टाइम पर की हैगा वा, किहड़ियां फाइल जिहड़ियां ने इस टाइम पर प्रोसैस हो रही ने, किदां दे रिजल्ट आ रहे हैं। मई 2022 इनटेक नू लैके जे गल करिए टाइमलाइन की, पहलां गल करां, हालांकि कोई फिक्स टाइमलाइन तो नहीं हैगा कि आ रही, पर जनवरी दी लगियां होईयां फाइल्स दे उपर रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ कुछ साडे कोल फरवरी दे रिजल्ट भी हैगे ने, ईवन मार्च ते अप्रैल दी लगियां होईयां फाइल्स, कुछ फाइल्स के रिजल्ट सिर्फ 8 या 10 दिन भी आ गए हैं, बट बहुत घट फाइल्स उपर। और नाल दी नाल मैं दसा कि बहुत सारिया जनवरी दे लगी हुई फाइल्स, फरवरी दे लगी हुई फाइल्स उपर स्टिल हले रिजल्ट पेंडिंग ने। इदा ही कुछ फाइलों नवंबर दिसंबर दी भी है जिन्हें उपर स्टिल हले रिजल्ट अवेटेड ने। सो वेरी डिफिकल्ट टू सी एट दिस मोमेंट। इमीग्रेशन कैनेडा जो कहें वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट सानू 90 से 100 दिन प्रोसैसिंग टाइम चाहिए वा एट दिस मोमेंट। इंडिया तो जिहड़ियां स्टडी वीजा दी एप्लीकेशनस लग रही ने, तो हमें तुम्हें देखना पेगा तुम्हारी फाइल किस टाइम के उपर लगी है और की रिजल्ट टाइम सिर आऊगा कि नहीं आऊगा। अगर मैं पहला भी कुछ वीडियो कह चुका वा कि ज़्यादा तो ज़्यादा वेट तुम 30 अप्रैल तक कर सकते हो, वह भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि तुम्हारा जो कॉलेज आ या यूनिवर्सिटी डैफर की कट ऑफ डेट की सी, बेस से तुम अभी डैफर जरूर अप्लाई कर दो। बहुत सारे कॉलेज को अज की डेट के सितंबर इनटेक की डैफर नहीं हैगी, तो जनवरी 2023 की डैफर मिलेगी, बट अगेन लाइक आई सैड देयर इज नो चॉइस, फिर तुम करनी पेगी डैफर। ये हम डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन किन्ने लंबा इंतजार करना वा उस तरीका इंतजार कर सकते हो। ना हम आप गल करिए ऑनलाइन क्लासेज की, ऑनलाइन क्लासेज के जरूर तुम्हें देखना पेगा कि तुम थोड़ी कॉलेज की पॉलिसी की है फी रिफंड, ट्यूशन फी रिफंड की। कुछ ऐसे कॉलेज है स्टिल वेरी लिमिटेड जिथे 100% फी थी वो रिफंड कर देंगे ने इनकेस थोड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता वा, पर अदरवाइज बहुत सारे कॉलेज है जो कुछ थोड़ा जो ट्यूशन फी है घट लैन। तो डिपेंडिंग ऑन दैट तुम अपनी ऑनलाइन क्लासेज लगाओ। मैं वैसे अज की डेट के ऑनलाइन क्लासेज का कोई बहुत उन्होंने एप्रीशिएट नहीं करता। मेरा बिलीव है कि ऑनलाइन थोड़ी पढ़ाई उस लैवल की कदे भी नहीं होंगी जो इन परसन क्लास के होंगी है, और अज की डेट के बहुत सारे कॉलेज से यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन पढ़ाई ने पढ़ाइया ने खत्म कर दी ने। मतलब तुम्हें एक सेमेस्टर अलाउ करूगा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर अलाउ करूगा, लिमिटेड जो है वो भी, अदरवाइज मैक्सिमम जो ने हम मे इनटेक तो मोस्ट ऑफ दैम आर गोइंग ऑफलाइन, जिते वो फेस टू फेस जो क्लासेस वह शुरू कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन देख के ही तुम आपकी अगे डिसीजन ले सकते हो। सितंबर 2022 इनटेक के साथ हले भी कुछ ऑप्शन है कैनेडा के जिते स्टिल हले एप्लीकेशन एक्सैप्ट हो रही हैं। जनवरी 2023 तो हम बहुत सारिया ऑप्शन ने एंटायर कैनेडा के, ना सोचो जनवरी 2023 बहुत दूर है, जिदा सितंबर बहुत जल्दी क्विकली फिल हो गया, जनवरी 2023 भी बहुत जल्दी फिल हो जाना वा। तुहाडी कोई एप्लीकेशन हैगी जरूर सानू कंसल्ट करो, साडे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, असं इंस्टाग्राम से भी है, यूट्यूब पर भी है, और साडा फेसबुक पर भी है। अगर साडा हुण तक तुसीं इह यूट्यूब का चैनल सबसक्राइब नहीं किया, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा सबसक्राइब करो, रैगूलरली असं इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करते रहने हैं। और हुण असीं 3 बार लाइव भी करते हैं, मंडे ते वेडनसडे 4 बजे शाम को और सैटरडेज में 4:45 बजे शाम को। सानू साडे एमकेएन इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर जाके साडा लाइव भी कनैक्ट हो सकते हो। थैंक यू, सत श्री अकाल सारे।